फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आई हूँ अपने मायके अपने भाइयों को टीका करने। सो आई होप आप लोग भी सब अपने अपने मायके गए होंगे, तो अच्छे से इंजॉय कीजिएगा अपने फेस्टिवल को। एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से तिलक करती हूँ। मैं अपने भाइयों का तिलक करूँगी और शौर्य की बहनें उसका तिलक करेंगी। तो ये मैं अपने मायके में ही हूँ। एंड ये देखिए, पीछे मेरे और मेरे भाई का फोटो है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अपना पूरा मायके। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं भाई दूज। अब अपनी बहनों से तिलक करा रहा है। पहले उसे समझ नहीं आ रहा था, फिर बाद में उसने आराम से अपनी बहनों से तिलक करा लिया। एंड उसकी तीन बहनें हैं, तो यही दोनों उस थर्ड सिस्टर का भी बांध देंगी, क्योंकि वो बाहर रहती हैं तो वो अपना भेज देती हैं, तो वो शौर्य को बांध देंगी। अब मैं अपने दोनों भाइयों का तिलक कर रही हूँ वन बाय वन। नानी खोल देना दरवाजा, उजाला नहीं आ रहा। अब मेरे जो भाई घर पे नहीं है, मैं उनके गोलों पे कलावा और तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि वो जब भी आएंगे तब मैं उन्हें दे दूँगी। उनके नाम से इस तरह से बना के रख दिया जाता है त्यौहार वाले दिन ही। इधर शौर्य की मस्ती चल रही है अपने मामा के साथ। वो सबको तिलक लगा रहा है, उसने मुझे भी तिलक लगाया और ख़ुद को भी लगा रहा है। वो सीख गया है कि कैसे तिलक लगाते हैं। मैं घर आ चुकी हूँ, काफ़ी थक गई हूँ। काफ़ी टायरिंग दिन जाता है, कभी भी इधर उधर जाओ रिलेटिव्स के यहाँ, मम्मी पापा के घर से आने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। क्या करें, अब आना तो पड़ता ही है। तो इस तरह से मैंने दूज सेलिब्रेट की। आज सिर्फ मेरे दो ही भाई घर पे थे, तो सिर्फ मैंने दो ही लोगों का तिलक किया। एंड मेरे कितने भाई हैं, मेरी कितनी बड़ी फैमिली है, एंड अपनी फैमिली से रिलेटेड मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कभी जब मैं मायके में कोई ब्लॉग बनाऊंगी या अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तब मैं आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स दूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो मुझे बताने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा उनके बारे में। तो इस तरह से मैंने अपनी भाई दूज सेलिब्रेट की। एंड यूपी में कल्चर है कि आपको मिठाई के साथ गोला भी देना पड़ता है एंड पान भी खिलाना पड़ता है। तो पान मेरे भाई खाते नहीं हैं, इस वजह से मैंने उन्हें गोला दिया। एंड मिठाई खा खा के वो सब बोर हो गए थे, तो मैं उनके लिए गजक लेके गई थी, उन्हें गजक बहुत पसंद है। तो बस ऐसे ही मेरा दिन गया, मैं काफ़ी थक गई। शौर्य एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, नानी के घर में ऊपर नीचे भागता है, तो मुझे ज़्यादा उसके साथ भाग दौड़ करनी पड़ती है। बट इन ओवरऑल अच्छा दिन निकला। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया हो अपना फेस्टिवल को।
तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इन एंड आप सबको भी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी भाई दूज। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। संदीप, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये व्लॉग एंड ये मेरी भाई दूज सेलिब्रेशन पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दिन को इंजॉय कीजिएगा। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।